हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। अगर आप न्यू हैं एजुगिरी के ऊपर तो मैं बता दूं आपको, 6 PM पे हर रोज़ यहाँ पर क्लास होती है जिसके अंदर हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू के एनालिसिस में मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया से रिलेटेड वो सारे करवा देती हूँ, मार्क करके लेकर आती हूँ, बैकग्राउंड रिसर्च करके लेकर आती हूँ, साथ साथ आपके नोट्स भी बना कॉपी करना है जो मैं लिख रही हूँ और समझना है, एक्सप्लेन भी सारा कर देती हूँ। एंड जो पिछली स्टोरी होती है, ठीक है ना, अगर आज के टाइम पे ये कहाँ और पीछे क्या था इसके, ये अभी आपको समझा देती हूँ ताकि आपको ईजी सब चीज़ें समझ में आ जाए, नोट्स मिल जाते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें और लर्न कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे ज़रूर मैंशन करके जाना इन द कॉमेंट सेक्शन की आपको, एंड ये भी बताना कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे हमें कतर के अंदर हमारे फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले हुआ करते थे नेवी ऑफिसर्स, इंडिया के साथ नेवी में काम करते थे, ठीक है। अब ये काम करने कतर चले गए और कतर के अंदर जब काम करने गए, जिस कंपनी के साथ काम कर रहे थे वो तो किया, बट इनके ऊपर एलिगेशन लग गए। एलिगेशन मतलब इल्ज़ाम लग गया कि ये लोग ना एस्पिनेज कर रहे हैं। एस्पिनेज क्या होता है, एस्पिनेज इज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है कहीं कंट्री की वो किसी और को भेज रहे हैं। तो यहाँ पर कतर ने कहा कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो इसराइल को भेज रहे हैं, ये कतर ने बोला, ठीक है। मैं स्टोरी दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स, इंडिया की नेवी में ये लोग काम करते थे, ऑफिसर्स थे, इंडिया की नेवी से छोड़ छाड़ कर ये कतर चले गए थे, मतलब रिटायर हो गए या कुछ भी, और कतर के अंदर काम करने लगे। कतर में एलिगेशंस लगी कि ये एस्पिनेज कर रहे हैं। एस्पिनेज क्या होता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी और को देना, किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनको डेथ सेंटेंस दे दी गई, ठीक है, इन सभी ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस दे दी गई। एंड उसके बाद इंडिया बोल रहा था भाई ये ऐसा काम ही नहीं कर रहे थे, इनके पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी जो ये आगे करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनकी डेथ सेंटेंस तो माफ़ कर दी है, ठीक है ना। कतर गेव अ वर्डिक्ट विच द डेथ सेंटेंस वॉज कम्यूटेड एंड रिप्लेस्ड विद वेरिंग क्वांटम ऑफ जेल टर्म्स। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स कतर डेथ सेंटेंस केस, ठीक है। कतर गेव अ वर्डिक्ट इन विच डेथ सेंटेंस वॉज कम्यूटेड एंड रिप्लेस्ड विद वेरिंग क्वांटम ऑफ जेल टर्म्स। वेरिंग क्वांटम ऑफ जेल टर्म्स का मतलब क्या होता है, कम्यूट का मतलब क्या होता है, ये हम लिख लेंगे। कम्यूट का मतलब होता है चेंज कर दी गई, पहले डेथ सेंटेंस दी गई थी फिर अब इम्प्रिजनमेंट दे दी कि तुम 10 साल जेल में रहो, ठीक है। रिप्लेस कर दिया गया विद वेरिंग, वेरिंग का मतलब डिफरेंट, क्वांटम मतलब कितना टाइम, ड्यूरेशन, क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी यहाँ पर ड्यूरेशन की, कितने ड्यूरेशन की जेल टर्म है, ठीक है ना, तो वो दे दी गई है अब और डेथ सेंटेंस नहीं दी गई। तो अगर मेरे को क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कतर वाला जो केस था उसमें कौन से ऑफिसर्स, फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स, फॉर्मर्स मतलब हुवर पहले हुआ करते थे, ये लिख लेंगे पहले हुआ करते थे, तो फॉर्मर का मतलब ये होता है पहले हुआ करते थे। आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में स्टार्टिंग के मंथ्स में ही पढ़ाऊंगी, जनवरी फरवरी में पढ़ाऊंगी, बिकॉज मुझे पता है नए बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो आप मार्च अप्रैल में मत एक्सपेक्ट करना कि मैं बिल्कुल इतनी यू नो ज़ीरो से पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको ज़ीरो से पढ़ना है एक एक चीज़ तो जनवरी फरवरी की क्लासेस अच्छे से लगाओ, फिर मार्च के अंदर मैं इतनी डिटेल में नहीं घुसूँगी, ठीक है, लिख लिख के नहीं पढ़ाऊँगी ऐसे मैं, मतलब वैसे जो नोट्स बने हैं वो तो करवाऊँगी। उसके बाद ईरान के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ, ठीक है, ये लोग कह रहे हैं इसराइल और यूएसए ने कराया है। तो अगेन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था मैंने तुम्हें समझाया था, क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो ईरान है, ठीक है ना, उसकी किससे नहीं बनती, इसका एनिमी है ये, एनिमी कह सकते हैं यूएसए एंड इसराइल के साथ इसकी नहीं बनती। बट ईरान इस टाइम क्या कर रहा है, ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है। हमास कौन है, वही टेररिस्ट ग्रुप जो इसराइल पर अटैक कर रहा था और अब इसराइल इन पर अटैक कर रहा है, ये दोनों के आपस में वॉर चल रही है।
ठीक है ना, जो गाजा के अंदर वॉर चल रही है, पैलेस्तीन वाली वॉर जो है, उसके अंदर हमास जो है वो इसराइल के साथ लड़ रहा है, और ईरान जो है वो हमास के पीछे है और इसराइल के पीछे यूएसए, मतलब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ईरान के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ है, ठीक है, तो कह रहे हैं यूएसए और इसराइल ने करवाया। तो आपको ये जब चीज़ें धीरे धीरे याद होनी स्टार्ट होंगी कि कौन किसके साथ है। जहाँ पे ईरान एलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मॉकबेर वोड रिवेंज की, हम बदला लेंगे। रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला, ठीक है, दैट किल्ड। तो यहाँ पर टेररिस्ट अटैक ये हमने कल भी लिखा था, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपने लिखा है टेररिस्ट अटैक टू कमेमोरेट टेररिस्ट अटैक एट अ सेरेमनी टू कमेमोरेट टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी वाज किल्ड बाय अ यूएस ड्रोन इन इराक इन 2020। ये ना यूएस ने मारा था इसको इराक में 2020 में। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी पे सेरेमनी कर रहे थे, वहां पर टेररिस्ट अटैक हो गया। कहाँ पे? इन ईरान। यहाँ पे लिख लेंगे इन ईरान, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। रश्मि शुक्ला बिकेम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र। जितने भी बच्चे एमएचसीटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो लॉ का दे रहे हैं चाहे होटल मैनेजमेंट का दे रहे हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बाकी सब भी नोट कर सकते हैं। रश्मि शुक्ला फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र। क्या डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब चलेंगे आगे। स्कूल टेक्स्ट बुक पैनल ऑफ कर्नाटका टू सबमिट रिपोर्ट। तो कर्नाटका की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर चेंजेस लेकर आने के लिए कमिटी बिठाई गई है। ये कमिटी कौन हेड कर रहे हैं? ठीक है, कर्नाटका टेक्स्ट बुक रिविजन कमिटी हेडेड बाय प्रोफेसर मंजुनाथा जी हेगड़े। देख रहे हो आप कितने छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर रहे हैं हम। जब ज्यादा पॉइंटर्स नोट करने होंगे तब रोने मत बैठ जाना। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूलिंग ऑन अ बैच ऑफ पिटिशंस। अब यहाँ पर यार वही अडानी वाले केस की डिस्कशन हो रही है। अडानी वाले केस की डिस्कशन नीचे बहुत बढ़िया हुई है तो वहां से हम पढ़ेंगे। ये वाला अगेन रिपिटेशन है तो उसको छोड़ देंगे। ट्विन ब्लास्ट हुए वहां पर ईरान के अंदर, ठीक है, इन द साउथ एशियन, और ये लिख लेते हैं पूरा डिटेल कौन से सिटी में हुआ है। ट्विन ब्लास्ट इन ईरानियन सिटी ऑफ करमान। हम कहते हैं ना कर्मा, यहाँ से अगर हम कर्मा लिखें और ये वाले ए का ई बना दें तो ये सिटी का नाम बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो हमने लिख ही लिया था कि क्या कर रहे थे ये लोग। के बाद आगे चलेंगे। As 2024 begins, there is a good news. तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर हैं ये कह रहे हैं कि केरला के अंदर अर्बन कमीशन बन गया है, और क्योंकि कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अर्बन साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी, तो अर्बनाइजेशन पे कमीशन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्बन मतलब सिटी है ना, अर्बन मतलब सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड बाय पीएम राजीव गांधी एंड हेडेड बाय चार्ल्स कोरिया, है ना। तो ये तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन बना।
अब केरला के अंदर एट प्रेजेंट केरला हैज फॉर्म्ड कमीशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। यहाँ पर जो इंडिया ये कह रहे हैं कि मतलब जो स्कीम्स हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पे जो इंडियन स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हमें वो पता होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं। सबसे पहले है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, साफ सफाई पे। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना एंड और प्रधानमंत्री आवास योजना। ये कह रहे हैं कि सब बेकार है, ठीक है ना, जो हम करने वाले हैं केरला में वो देखने लायक होगा। ठीक है, तो ये ओपिनियन है, इसको छोड़ ही दो। इसमें ज़्यादा इन्होंने डिटेल भी नहीं प्रोवाइड करे, तो हमें ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बस फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाला लिख लिया, वो बहुत है। उसके बाद रिपोर्ट्स बाय प्राइवेट एजेंसी कि जो लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना, उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। कि ये कोविड में जो ग्रेजुएट हुए, जो ऑनलाइन पढ़े, वो लोग अब जो हैं जॉब सीक करने आ गए हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अकॉर्डिंग टू ये लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग ग्रेजुएट्स इज हायर देन इन मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी है उनको भी नौकरी नहीं मिल रही। इस बात पे ना मैं कहना चाहूँगी, बहुत लोग ना ग्रेजुएशन की डिग्री कर लेते हैं। अब हमारे ऑफिस में भी आते हैं, उनके पास डिग्री होती है, यार उनको कुछ भी नहीं आता होता है, कुछ भी नहीं आता होता, और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है सीखने में। उनको सिर्फ सैलरी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, वो सीखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर उनको बोले ना कि अच्छा ठीक है आप सीख लेना, आप 1 मंथ में ले लो, आधी सैलरी ले लो, ठीक है आप सीख लो पहले और फिर फुल सैलरी ले लेना, ठीक है, नहीं, वो कहते हैं कि हमें पैसा जो सैलरी आपकी फुल भी है हमको वो भी सही नहीं है, सीखना हमको कुछ है नहीं है, बस पैसे चाहिए। ऐसे कौन दे देगा यार, काम तो आना चाहिए, हमने भी काम सीखा है। तो ये भी एक दिक्कत है जो यहाँ पे डिस्कस नहीं करी गई, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अपर्जुअल ऑफ द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन अडानी हिंडनबर्ग मैटर रिवील्स दैट द वर्डिक्ट हैज लिमिटेड। अब यहाँ पे अडानी वाला मैटर जो है वो दोबारा डिस्कस हो रहा है। किस किस को स्टोरी पता है? देखो क्या हुआ, एक दिन हिंडनबर्ग जो हिंडनबर्ग है वो क्या है, हिंडनबर्ग यूएसए का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब हमने कल पढ़ा था कि ये क्या करेंगे, जो शेयर्स हैं वो किसी से बोरो, किसी के शेयर्स, किसी ए ए एक्स वाई कंपनी के, मान लो ए कंपनी के शेयर्स जो है बोरो कर लिए, खरीदे नहीं बोरो कर लिए, ठीक है, ये कोई तरीका होता होगा, तो बोरो कर लिए और जब रेट नीचे जाता है तब ये बाय कर लेते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यही करते हैं हिंडनबर्ग की, ये शॉर्ट सेलिंग करती है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने अडानी के अगेंस्ट निकाल दी न्यूज़ यूएसए के अंदर कि भाई अडानी जो है ना वो मैन्युपुलेशन कर रहा है। क्या मैन्युपुलेशन, मतलब जो उसके स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो वो रेट है, जो वो बता रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हमारे पास इतना है, ये कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो जो अदानी के स्टॉक्स थे वो नीचे चले गए, रेट प्राइस डिक्रीज हो गया। अब जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो इसने खरीद लिए। अब ये एक तो ये बात हुई, ठीक है, बट एलिगेशन ये भी लगी कि अदानी ने रूल्स वायलेट करे हैं। क्या रूल्स वायलेट हुए? रूल्स वायलेट हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है कमिटी बिठाते हैं। तो दो कमिटीज बिठाई गई, एक तो एएम सप्रे के अंडर बिठाई गई, ठीक है, और एक सेबी को बोला गया जो कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है कि तुम भी चेकिंग करो। तो सेबी जो है वो अभी कर रहा है चेकिंग, उसकी फुल रिपोर्ट जो है वो आनी है। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों दो से तीन चीज़ें क्लियर करी हैं। एक तो उन्होंने बोला कि पहली, अगर हिंडनबर्ग ने हमारे कुछ लॉस करवाया है इंडियंस को, कि उसने मतलब खुद खरीद लिया, रेट कम करा लिया, ठीक है, तो इसमें चेकिंग होनी चाहिए और शॉर्ट सेलिंग के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए।
दूसरी चीज उन्होंने बोला, एक और न्यूज़पेपर, एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने बोला कि ऐसा है, सेबी का भी कुछ बिका हुआ है, ये वो, सेबी सही वो नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर पेटिशनर वो वाली रिपोर्ट लेकर आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी पोस्ट कर सकती है, बिकॉज उसको इतना एविडेंस नहीं चाहिए जितना कि हमको कोर्ट में एविडेंस चाहिए, किसी को कोई सुना सुनाई बात भी, सुना सुनाई सुनी हुई बात भी बोल सकता है, तो ये बात चल रही है। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर है वो बोल रहे हैं कि देखो अभी जजमेंट जो है वो पूरी नहीं आई है, बट हाँ कुछ बातों पे क्लियर किया है। एक तो जो हिंडनबर्ग को पकड़ के बोला गया है कि हाँ भाई तुम, मतलब हिंडनबर्ग का भी देखो तुम कि इसने ये क्या किया है, ठीक है। तो सेबी जो है उसने 3 महीने और मांगे हैं, ये तुम्हें सेबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, 3 मंथ्स और मांगे कि हमको अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए 3 मंथ्स और दो। अब जो एएम सप्रे बिठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उन्होंने एक बात करी थी, इन्होंने बात करी थी किसके ऊपर, कि मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक। अब क्या होता है कि 75% जो होता है शेयर्स के, जो स्टॉक होता है मतलब जो लेकर आते हैं ये लोग, उसके अंदर 75% ओनरशिप जो होती है ना वो बाहर की होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब 75% लोगों ने खरीदा होना चाहिए और बाकी का आप, आपके पास है, आपके किसी कंपनी वालों के पास है तो सही है, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं 75% नहीं है ओनरशिप बाहर की, पब्लिक की नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये रेज किया था, तो अभी इस पे आंसर आएगा। तो हमें क्या क्या टर्म्स याद रखनी है, नाम हमें अडानी हिंडनबर्ग याद रखना है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि अभी जो है वो चल रही है इन्वेस्टिगेशन। देखिए जो मैं बात कर रही थी, प्रोमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग अबव द रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड, प्रोमोटर ग्रुप मतलब फाउंडर, मतलब जो ओन कर रहा है वो है वो 75%, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड। प्रोमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग अबव द रेगुलेटरी थ्रेश ऑफ 75% थ्रू फ्रंट कंपनीज बेस्ड इन ओवरसीज टैक्स हेवन इफ प्रूवन। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो फुलफिल नहीं हुआ है ऐसा बोला जा रहा है, बट इसके ऊपर कोई भी अभी जजमेंट नहीं आई है, ठीक है। और एक और जो था ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इन्होंने बोला था कि नहीं इनमें सेबी जो है वो भी देखना चाहिए। तो अगर जब सेबी पे क्वेश्चन उठा तो उन्होंने कहा कि आप सीबीआई को अपॉइंट कर दो ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो कोर्ट कहता भाई अभी तक जो सेबी कर रहा है वो सही कर रहा है, सीबीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर केस में हम सीबीआई को नहीं लगा सकते। तो इतनी ही आपको कहानी पता होनी चाहिए। द इलेक्शन कमीशन ऑन थर्सडे ब्रॉट इन न्यू रूल्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सिंबल्स टू रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे लिखेंगे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ब्रॉट इन न्यू रूल्स फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल्स रजिस्टर्ड अनरेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज ग्रुप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है, जो अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज हैं, ठीक है ना, रजिस्टर्ड हैं बट अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए सिंबल कैसे उनको एलोकेट होगा उसके ऊपर रूल्स जो हैं वो नए रूल्स लेकर आए हैं। मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर देम फर्निश ऑडिटेड accounts of the last 3 financial years, expenditure statements of last elections, and the signature of authorized office bearer of the party along with the application form for symbol, ठीक है जी।
तो यहाँ पर ये जो है मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारा का सारा ही आपको लर्न करके जाना है. क्या क्या चाहिए? ऑडिटेड अकाउंट्स लास्ट 3 इयर्स, 3 फाइनेंशियल ईयर्स के, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ 2 इलेक्शंस, सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज ऑफिस बेयरर ऑफ द पार्टी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिंबल रजिस्ट्रेशन, सिंबल ऑथराइजेशन फॉर्म है, ये सब चीज़ें चाहिए रहेंगी. चेंजिंग चेंजेस इन नेवी टॉप डेक, दिनेश के त्रिपाठी इज न्यू वाइस चीफ. दिनेश के त्रिपाठी न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. ठीक है. डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस डील वर्थ ₹802 करोड़ फॉर आर्मी. ठीक है, जिसके अंदर क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स एस्टिमेट एट 80 प्रक्योर मिलिट्री इक्विप फॉर द आर्मी. ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या लेकर आ रहे हैं, एक तो बोगी ओपन मिलिट्री वैगन्स, जिसकी हमने फोटो देखी अभी, है ना, एक इसे दे रहे हैं विद के साथ अग्रीमेंट के, जुपिटर वैगन्स फिटेड, और दूसरा मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट दैट इज LME मार्क टू ले रहे वो भारत अर्थ वर्स लिमिटेड. ठीक है ना, ओपन वैगन ये है, ये देख ट्रक लेके. ठीक है, तो ये डील हुई है. हेल्थ मिनिस्ट्री सीक्स डाटा ऑन सिंगल वुमेन टेकिंग आर्ट रूट. आर्ट क्या है, ड्राइंग बना रहे हैं. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सिंगल वुमेन जो मैरिड नहीं है या फिर जो डाइवोर्स हो गई है ऐसा, ठीक है ना, तो सिंगल वुमेन कौन सी हैं जो सेरोगेसी यूज़ करना चाहती है, और के पेट में, और के पेट में बच्चा पैदा होगा, या आर्ट इज ऑफर्ड एज ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी प्रिवेंट कोजेनियल अबनॉर्मलिटीज, अवेयर इट वॉज रेज कंसर्न ओवर पैरामीटर्स. अब यहाँ पे जो सिंगल हैं क्या वो आर्ट के लिए नहीं जा सकते हैं जैसे सेरोगेसी एंड ऑल के लिए, तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो ये डिटेल्स मांग रहे हैं, तो देखेंगे. अब आर्ट की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए. आर्ट क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन में असिस्ट करें तो वो है रिप्रोडक्शन का एक्ट है, पूरा लॉ है 2021 का. तो देख रहे हैं कितने सिंगल वुमेन जो है वो चाह रही है कि प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स टू बिगिन सून एट PM स्कूल, कौन सा प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड कौन सा प्रोग्राम, प्रेरणा, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, प्रेरणा एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, एक्सपीरियंस करके आप लर्न करोगे, क्या है ये, एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम विच विल ऑपरेट फ्रॉम, विच विल ऑपरेट फ्रॉम द वर्नेकुलर इन PM मोदी बर्थ प्लेस बदनागर गुजरात. ठीक है, इसमें बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, डे वाइज प्रोग्राम शेड्यूल विल फीचर का माइंडफुल
फॉलोड बाय अर्निंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये है प्रेरणा, जिसके अंदर क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जैसे कि योगा, माइंडफुलनेस, ये सब सिखाएंगे। माइंडफुलनेस से मुझे याद आता है, अगर आप लोग भी ऐसी रीड में इंटरेस्टेड हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है @missbofficial, वो फॉलो कर सकते हैं, और या फिर आप www.missbof.com पे भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जो आपको लाइफ सिखाएगा। एंड ऑल्सो यू कैन बुक अ सेशन विद मी ऑन लाइफ कोच। न्यू एंटीबायोटिक कुड टारगेट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। अब देखो, ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इतने एंटीबायोटिक्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, ओवर टाइम, कि जब इतने ज़्यादा दे देते हैं कि बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, मतलब उस पर असर ही नहीं होता बॉडी का, दवाइयों का बॉडी पे असर ही नहीं होता, क्योंकि इतने एंटीबायोटिक्स फालतू में खा लेते हैं, है ना। रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स विच द पोटेंशियल टू टैकल अ ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, है ना। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस जो बैक्टीरियम है, ठीक है, उसको भी हैंडल कर पाएगा। ये कौन सा है, जुराबेल पिन, द एंटीबायोटिक वॉज फाउंड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट सो एंड सो। तो ये मिले हैं, इसको नोट नहीं करना है, बस पता होना चाहिए। और ये मतलब कुछ पर्टिकुलर वो है जिसपे एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब एक बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट मेडिसिन मिल। US strike kills commander says pro Iran hashed force. A US strike in Baghdad on Thursday killed a military commander of Hashad al-Shaabi, an ex paramilitary faction of the grouping, said with an Iraqi security official reporting deaths in a drone attack. The Iraqi government supported by pro Tehran factions Tehran Iran. Matlab ye Iran backed hai. Ek bari main aapko ye pichle wale pe leke jana chahungi. जो एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है ये अलग है, ठीक है ना, कि आप इतनी मेडिसिंस ले लेते हो, ठीक है, कि एंटीबायोटिक्स आपके ऊपर असर करना, आपकी बॉडी के ऊपर असर करना बंद कर देते हैं, ठीक है, मेडिसिन असर करना बंद कर देती है। और जो ये वाला है, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स इस बैक्टीरिया पे काम नहीं कर रहे थे, तो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया था ये, अब इसके ऊपर काम करने के लिए एक एंटीबायोटिक मिल गया है, तो अलग कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर यहाँ पर यूएस ने स्ट्राइक करी बगदाद में, इराक में, ठीक है ना, और हशद अल शाबी जो है, ठीक है ना, जो उनका कमांडर है उसको मार दिया, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, यूएस स्ट्राइक इन इराक किल्ड मिलिट्री कमांडर ऑफ अशेद अल शाबी, एन एक्स पैरामिलिट्री फैक्शन ऑफ थिंग, इराकी गवर्नमेंट, इराक गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय ईरान, ये क्या है, हशेद अल शाबी क्या है, मेनली प्रो ईरानियन फॉर्मर पैरामिलिट्री यूनिट्स इंटीग्रेटेड इनटू इराकी फोर्स, प्रो ईरानियन, ईरान के साथ, ईरान बैक्ड फॉर्मर पैरामिलिट्री इंटीग्रेटेड इनटू द इराकी आर्म्ड, तो इराकी आर्म्ड फोर्स इंटीग्रेटेड, मतलब मिक्स कर दिए गए, बट अल्टीमेटली पैरामिलिट्री क्या होते हैं, इंटरनल फोर्स, जो इंटरनल वायलेंस को रोकती है, ठीक है ना, उसके जो मिलिट्री कमांडर थे उनको मार दिया। रिसर्चर्स इंजीनियर प्लांट सेल्स टू प्रोड्यूस ड्रग, प्लांट सेल्स को इंजीनियर किया गया ड्रग मेडिसिन बना सके फॉर कैंसर, या IIT मंडी और IIT मद्रास वालों ने किया है, ठीक है ना। तो ये लिख लेते हैं, IIT मद्रास एंड मंडी हैव मेटाबॉलिकली इंजीनियर्ड प्लांट सेल्स इंक्रीज
प्रोडक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग कैंपोटेक्सिन. है ना, यूजिंग नाथापोडाइट मोनियाना नेटिव, मतलब हमारे यहाँ का ही इंडेंजर्ड, मतलब खत्म हो रहा है प्लांट. क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कौन से आईआईटी, कौन सा प्लांट, कौन सा ड्रग. ठीक है जी, चलिए गाइज यहीं पे क्लास ख़त्म होती है. बट डू विजिट loggery.in, वहाँ पर आपको हमारे मई से लेकर के अभी अक्टूबर सितंबर तक के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पक्का मैं काम कर रही हूँ. बस मॉक टेस्ट अपडेट कर रही थी, अगर जिन्होंने मॉक टेस्ट बाय नहीं किया उनको बता दूँ, मैंने मोस्टली बहुत सारे मॉक टेस्ट डाल दिए हैं कि हमारी अपडेटेड करंट अफेयर्स होते हैं, तो हम धीरे धीरे मॉक टेस्ट डालते हैं. MHCET 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के मैंने आई थिंक 5 मॉक्स डाल चुके हैं. ठीक है, स्लैट के अभी 1 ही मॉक है, बट उसका भी वर्क चल रहा है और मतलब ऐड हो जाएंगे उसमें मॉक्स. ठीक है, क्योंकि अपडेटेड हर किसी की करंट अफेयर्स अलग अलग होती है, तो मेरी ट्राई होती है कि जैसी सी होती है ना करंट अफेयर्स वैसा ही मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाए. CUT PG जो कि DHU का एग्जाम है, उसका मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है. बहुत जल्द हम आपको CUT UG के मॉक टेस्ट भी दे टेस्ट होगा, इंग्लिश होगा, लीगल स्टडीज होगी. एंड अगर आपको CUT के और एग्जाम की भी और यू नो आप चाहते हैं सब्जेक्ट कवर करें हम डोमेन एक, तो उसका आपको कमेंट करना हिसाब से आई विल कवर. ठीक है, तो ये सारे आपको अवेलेबल होंगे, चेकआउट कर सकते हैं. जो हमारे लेक्चर्स हैं मंथली करंट अफेयर्स कंपेडियम्स हैं, 7 to 8 hours का कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे वीडियो लेक्चर्स, और आपका सारा मंथ प्रिपेयर हो जाएगा. इसमें आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है ना, और इसकी वैलिडिटी भी सारी है, ऐसा कुछ नहीं है कि वैलिडिटी कम है. ठीक है, आप देखेंगे कि जुलाई 2024 तक की वैलिडिटी, जुलाई 2024 तक वैलिड, आई थिंक जून तक की है. ठीक है, और जो हम जनवरी 2024 से डालना स्टार्ट करेंगे उनकी हम आपको दिसंबर तक की 2024 तक की वैलिडिटी सारी आपको मिल रही है. ठीक है, अगर आपको डेली नोट्स लेने हैं, ये ₹100 के हैं जो मैं बना रही हूँ, ये वाले नोट्स. ठीक है, और गाइस ट्राई टू बाय दीज नोट्स. अगर आप कुछ और नहीं बाय कर सकते तो ₹100 के नोट्स ज़रूर बाय करें. इससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. फाइनेंशियल यू नो सपोर्ट हमें चाहिए, ये आप कर सकते हैं इस चैनल को सस्टेन करने के. बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे कल 6 PM पे. डू लाइक दिस वीडियो, डू कॉमेंट, एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बारे में. बाय.